आप सभी का स्वागत है। कोई शक की बात नहीं कि यूरोपीय सांसद का दौरा दो दिवसीय कश्मीर में भारत की दृष्टि से बहुत सफल रहा है और पूरे 27 सदस्यों ने जमकर भारत की प्रशंसा की है, मगर जिस तरीके के हालात उनके आने के बाद कश्मीर में ख़राब हुए, जिस दिन वो कश्मीर घाटी के दौरे पर पहुँचे और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचे उस समय जमकर पत्थरबाजी कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर हो रही थी, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। साथ ही साथ उनके दूसरे दिन के दौरे में यानी कि कल उसमें 5 पश्चिम बंगाल के श्रमिकों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में की, ये बात प्रमाणित करता है कि अभी भी हालात बेहतर नहीं हैं और आतंकवादी अपनी नापाक साजिशें रचते रहेंगे। मगर ऐसे समय में यूरोपियन संसदीय मंडल के सदस्यों का दौरा भारत के लिए पूरी तरीके से कूटनीति तौर पर सफल रहा, मगर जिस तरीके से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से आतंकवाद बढ़ने के साथ साथ जिस तरह पाकिस्तानी सेना जमकर भीषण गोलीबारी कर रही, आज की गोलीबारी में 2 लोग मारे गए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अभी भी हालात रजौरी पुंछ और उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला कुपवाड़ा में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बदतर होती जा रही है और आतंकवादी लगातार नापाक हरकतें करते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि ये हरकतें आगे आने वाले दिनों में जब जम्मू लद्दाख और कश्मीर में 2 यूटी काम करना शुरू कर देंगे, क्या इन 2 यूटी बनने के बाद आतंकवाद थम पाएगा, ऐसी संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही है। अब देखना ये है कि 2 यूटी जब बनते हैं उनके एलजी कल शपथ लेते हैं, इसके बाद किस तरीके से आतंकवाद को निपटा जाएगा। हालांकि ज़्यादातर अधिकारी जो यहाँ हैं वो यहीं बने रहेंगे, आतंकवाद तो उन्होंने ही समाप्त करना है, आशा है सकारात्मक परिणाम आएंगे। नमस्कार। Electronics Shopee, J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet.